अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम फ़जल है और कुछ दिन पहले मेरी नज़र से एक बहुत मज़ेदार सा लेक्चर गुजरा और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों के साथ उसको शेयर करूं, क्योंकि मैंने सुना है इल्म बांटने से बढ़ता है और मैं तो हूँ ही लालची आदमी। तो बेसिकली इसकी अगर मैं बैक स्टोरी बताऊँ तो कुछ इस तरह है कि US में एक यूनिवर्सिटी है, कार्नेगी मेलन। अब वहाँ होता क्या है कि जब भी कोई टीचर या प्रोफेसर उनको छोड़ के जा रहा हो तो उसको वो उनसे गुजारिश करते हैं कि आप वो एक लास्ट लेक्चर दें, कोई भी बात रखनी हो तो फाइनल जो भी समरी कोई भी चीज़ वो पेश कर दें। तो इसी तरीके से उनके वहाँ पे एक प्रोफेसर थे, उनका नाम था रैंडी पॉश। अच्छा, डॉक्टर रैंडी पॉश जो हैं वो PhD डॉक्टर थे और वो VR टेक्नोलॉजी जो आजकल हम वर्चुअल रियलिटी देखते हैं तो उस पर काम करते थे और उसके ऊपर स्टूडेंट्स को सिखाते थे। अब उनके साथ बुरी बात ये हुई कि जब वो 48 साल के हुए उन्हें पता चला उनको सीवियर कैंसर है और कुछ महीने बाद अल्लाह ताला ने उन्हें बुला लेना है। अब जब उन्हें अपना देना था लास्ट लेक्चर तो उसके अंदर उन्हें सारी चीज़ों को जो जो उन्हें सीखी उनको समराइज़ किया और उनके लेक्चर का टॉपिक था अचीविंग योर चाइल्डहुड ड्रीम्स। ठीक है, अब नाम से थोड़ा सा बोरिंग सा लग रहा है और लेक्चर तो सुनते हैं हमारे दिमाग में वही बोरिंग से लेक्चर आ जाते हैं तो आम तौर पर सुनते हैं, मगर मुझे इस लेक्चर की सबसे अच्छी बात यही लगी है कि रैंडी पॉश ने इसको बार बार कोई जोक करते हैं या उसको टू मेक इट इंटरेस्टिंग, तो वो तो सबको ही करना चाहिए अपनी प्रेजेंटेशन में इंक्लूड। अच्छा, अब ये जो है वो 1 घंटा 16 मिनट का है मगर आपको पता भी नहीं चलेगा और उसमें जो मज़ेदार बातें बताई हैं अगर हम उन पर बात करने बैठें तो घंटों बात की जा सकती है, तो इतना मज़ेदार है। और उसके ऊपर अगर फर्दर आप समझना चाहें तो उसके ऊपर बुक भी है। अच्छा, तो ये तो सारी लेक्चर की मज़ेदार बातें। अब भाई मैंने उसमें से क्या सीखा, उसमें क्या बातें जो मैं शेयर करना चाहता हूँ, तो इसके अंदर रैंडी पॉश तीन चीज़ों के बारे में, सिर्फ तीन चीज़ों के बारे में बात करते हैं। पहली बात कि उनके चाइल्डहुड ड्रीम्स क्या थे, दूसरा उन्होंने दूसरों को कैसे मदद की और तीसरी बात कि उन्होंने सब ने मिल के क्या सीखा उनसे। तो अब हम लोगों को भी बचपन में ऊट पटांग से ख्वाब आते हैं कि भाई किसी ने कुछ करना है, किसी ने कुछ करना है। मेरा एक चाइल्डहुड ड्रीम था कि भाई मैंने फिल्म बनानी है। किसी का हो सकता है भाई दुनिया भर में हर जगह मैंने पौधे पौधे लगा देने, तो इस तरह से सबके चाइल्डहुड ड्रीम्स हो सकते हैं। अब भाई उनको अचीव कैसे करें, उनको हासिल कैसे करें, इतने ऊट पटांग लग रहे होते हैं हम जब उनको आज देखते हैं बड़े होके। तो सबसे पहली बात यह है कि अगर आप उसके पीछे आप उसको बहुत अगर आप उसको चाहेंगे बहुत बुरी तरीके से, यानी आप उसके लिए डिटरमिन होंगे, आपकी ख्वाहिश होगी, मतलब हर तरीके से रेडी होंगे, उसके लिए मेहनत करेंगे, थोड़ी सी रिसर्च करेंगे, थोड़ा सा काम करेंगे, तो सबसे पहला रूल तो ये है कि थोड़ा सा उसकी तरफ फोकस करें। ऐसा ऐसा तो होगा नहीं कि आप अल्लाह मियाँ से दुआ करें और कल कल ही आपका ख्वाब पूरा हो जाए। तो सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि ज़रूरी ये भी नहीं है कि आपने इतनी सारी मेहनत की और फिर हो सकता है फिर भी नाकामी हासिल हो सकता है तब भी। तो इस तरीके से रैंडी पॉश का साहब का भी था। अच्छा, मैं कोशिश करूँगा छोटा रखूँ और स्पॉइल ना करूँ। तो उन्होंने हवा में उड़ना था, तो इस तरीके से उन्होंने उसके ऊपर कोशिश की और एक नासा का प्रोग्राम था उसके अंदर उन्होंने हिस्सा लिया बतौर टीचर, मगर एट द एंड पता चला कि वहाँ टीचर्स के लिए अलाव नहीं है और सिर्फ। तो इस तरीके से उन्होंने उसके ऊपर जब रिसर्च की और उन्हें पता चला जर्नलिस्ट आ सकते हैं, तो बतौर जर्नलिस्ट बन के वो वहाँ पे चले गए। तो सबसे पहली बात तो यही है कि अपने मसलों को हावी ना करें, खुद मसलों पे हावी हो जाएं। तो इसी तरीके से उनको दूसरी तरफ से भी देखें। इसी के साथ साथ आपने हमेशा कोशिश करनी है कि भाई अगर आप चाहते हैं दूसरा आपकी बात माने तो कुछ आप भी उसकी बात माने। हर बार अगर विन विन सिचुएशन होगी तो दोनों पार्टीज खुश हों तभी एक अच्छा एग्रीमेंट बन सकता है और सबकी बात जब पूरी होंगी तो सबका फ़ायदा होगा। तो एक तो इस बात का भी हम लोगों को ध्यान रखना है। जो एक और बात उसके अंदर मुझे बहुत ज़्यादा हाइलाइटिंग लगी वो थी, इस सब के बावजूद भी अगर कोई कामयाबी ना हासिल हो तो एक्सपीरियंस जो होता है ना वो कभी ज़ाया नहीं जाता, कोई ना कोई वो आगे हो सकता है आगे जाके फ़ायदा कर दे, हो सकता है अल्लाह ताला की कोई और बेहतरी हो, तो नाराज़ तो हम लोगों ने बिल्कुल होना ही नहीं है। और जो मुझे इसके अंदर सबसे ज़्यादा बात हाईलाइट होते हुए दिखी वो थी अल्फाज का चुनाव। तो
ये उन्होंने अपनी ज़िंदगी का मतलब एक बहुत बड़ा चंक इस पे बात पे की थी कि भाई एक बात बहुत सारे तरीक़ों से की जा सकती है, या तो आप किसी को मना करना है तो आप उसको बहुत बुरा बुरा बोल दें और वो क्या कहते हैं तेज़गाम एक्सप्रेस की तरह बोलते रहें बोलते रहें बोलते रहें। दूसरा हो सकता है प्यार से मना कर दें किसी को, तो मगर जो दूसरे के ऊपर आपके रिफ्लेक्शन जाएगा वो अच्छा हो जाएगा अगर आप उसको बेहतर तरीके से बोलेंगे। तो इस तरह की कुछ मुख्तसर चीज़ें थी जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। मैं ज़रूर इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप सब लाजमन कम से कम ये लेक्चर तो सुने और मौका मिले तो किताब भी पढ़िएगा। और मेरी सबसे गुजारिश ये है कि आप जब भी कोई नई चीज़ सीखें तो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचाएँ, तो इंशाल्लाह इससे आपकी भी लर्निंग बेहतर हो जाएगी और दूसरों की भी। तो बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।